हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूं न्यूट्री मटर की लाजवाब सब्जी, यानी कि सोयाबीन और मटर की सब्जी, जो कि आपके मुंह में पानी लेके आएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूं। ये वीडियो मेरा आप देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रीला यानी कि सोयाबीन को अच्छे से बॉईल करेंगे और उसके लिए मैंने देख सकते हैं एक तरह इस तरह का बर्तन में मैंने पानी खोला करके और लगभग 200 ग्राम मैंने सोयाबीन को उसमें डाल दिया है। तो इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमें लगभग 4-5 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल करना है। अब धीरे धीरे देखोगे कि इसके ऊपर वाइट यानी ये पानी जो है छोड़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर से पानी छोड़ रहा है। तो इस तरह से हमें और 2-3 मिनट तक बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ही ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसे हम अच्छे से धो लेंगे ठंडे पानी से और उसके बाद फिर इसे हम निचोड़ लेंगे हाथ की सहायता से दबा दबा करके। इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ की सहायता से आप अच्छे से दबा करके सारा पानी निकाल दीजिए और इसी तरह से हम सारे सोयाबीन का पानी निकाल लेंगे निचोड़ करके। रोटी के साथ आप इसको खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसके पहले मैंने सोयाबीन आलू और मटर की सब्जी भी शेयर की है तो लगभग दोनों का सेम रेसिपी है, फिर भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सारा पानी निचोड़ लिया है और उसके बाद हम चलेंगे इसका तड़का लगाने के लिए। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। इसमें थोड़ा तेल की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ती है तो लगभग कुकिंग ऑयल 4-5 चम्मच हम डालेंगे भर के और उसके बाद तड़का लगाएंगे हम जीरा से। तो 1 चम्मच जीरा को डालने के बाद अच्छे से पका लेंगे और फिर उसमें डालेंगे 4 प्याज काट करके, मीडियम साइज के 4 प्याज काट ले और उसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगभग 2 टेबल स्पून, यानी कि लगभग 8-15 से 20 लहसुन की कली और 1.5 इंच के आसपास अदरक को कूट ले। तो लगभग 2 चम्मच हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिल जाएगा और अच्छे से इसे फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद हम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो सारे ये पाउडर 1-1 चम्मच हमें डालना है। तो मैं 2 तरह का लाल मिर्च पाउडर इसमें यूज़ करती हूँ, एक है हमारा घर का बना हुआ तो जो कि तीखा है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करती हूँ ताकि कलर इसका काफी अच्छा आए। तो सारे पाउडर को डाल देंगे हम। मेजरमेंट डियर दोस्तों आप अपने हिसाब से ऊपर और नीचे कर सकते हैं, यानी कि अगर आप थोड़ा सा मसाला ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दे और कम खाते तो थोड़ा क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आवाज आ रही होगी, तो उसके लिए सो सॉरी, बट वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी होता है तो इसलिए आवाज़ तो आती ही रहती है पीछे से, बैकग्राउंड में देखिए ठक ठक की आवाज़ आती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। और जैसे हमारा मसाला 15-20 सेकंड के बाद भून जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने काफ़ी अच्छे से काट लिया है। तो पहले 15-20 मिनट सेकेंड तक हम भून लेते हैं अपने सारे मसाले को और फिर डालेंगे टमाटर। मैंने 3 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ के और टमाटर को अच्छे से गलने के लिए हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक, यानी कि नमक हम यहीं पे ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से। तो आप इसको लास्ट में भी नमक डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदाजे से अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल ले। तो नमक डालने के बाद देखिए काफ़ी अच्छे से ये टमाटर गल चुका है और फिर हम डालेंगे इसमें 1 कप के आसपास हरी मटर। ये मेरा फ्रोजन का है तो फ्रोजन का मटर हर जगह सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं और फ्रिज में स्टोर करके इसको रख सकते हैं, जब भी जरूरत हो काम करे। तो मैं लगभग 1 कप फ्रोजन मटर ली हूँ और अच्छे से उसको चला लेते हैं लगभग 1 से 2 मिनट तक और जैसे ये अच्छे से भुना जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे हमारा बॉयल किया हुआ सोयाबीन यानी कि न्यूट्रेला।
और इन सबको अच्छे से चला लेंगे। कलर काफ़ी अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और क्या बताऊँ, खाने में उतना ही ज़्यादा लजीज है, आप जरूर ट्राई करें अपने घर पे एक बार। और ये देखिए, भरपूर होता है प्रोटीन विटामिन जो भी होते हैं, बहुत ही भरपूर मात्रा में इसमें होती है। सोयाबीन तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, साथ में मटर है, टमाटर है, तो सारे बहुत ही हेल्दी चीज़ हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर भी आसानी से इसको बनाएं और इसे थोड़ा देर ढक देते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट तक। 2-3 मिनट बाद इसे हम चला लेंगे ताकि हमारे न्यूट्री में भी बहुत सारे मसाले अच्छे से घुस जाए, चला जाए। तो फिर से चला लेते हैं। चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा बहुत ऐड करेंगे हमारा गरम मसाला पाउडर। तो 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालने से क्या होता है, खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। और डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिला ले दोस्तों। तो बहुत ही लजीज दिख रही है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये सब्जी। तो आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें एक बार। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुशी से खाते हैं। और फिर लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के आसपास सोया सॉस, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डालने के बाद काफ़ी अच्छे से मिला लेंगे। और काट करके डालेंगे हमारा कोरिएंडर लीव्स लास्ट में, और उसके बाद फिर इसे हम चला करके ढक देंगे। कितना ना स्वादिष्ट लग रहा है, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है दोस्तों, काफी अच्छा बना है मेरा आज का ये न्यूट्री मटर का सब्जी। तो इस तरह से मैंने सर्व किया है इसको, रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व किया है और काफी अच्छा बना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।